मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा मुल्तान के एक ऐसे ही कदीम चर्च जिसे मेथोडिस्ट क्राइस्ट चर्च कहा जाता है के हाल के अंदर। इस चर्च के बारे में कई तारीखी हवाले मौजूद हैं, जिनमें से बास मोरखिन चर्च को 150 साल पुराना करार देते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है ये 170 साल कदीम है। लेकिन इस हवाले से इस बात की मुस्तनद तारीख मौजूद है कि जब बरतानवी अफवाज मुल्तान पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई, तो उसने चर्च जो कि इस वक्त एक चटेल मैदान था में सबसे पहले अपनी कामयाबी की दुआ की और सख्त तरीन मजाहमत के बाद बाल आखिर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। और सबसे पहले इसी जगह जो कि कचहरी रोड पर वाक़ मेथोडिस्ट क्राइस्ट चर्च की तामीर शुरू की और इसकी तकमील के बाद इसमें इबादतें शुरू हो गईं, जो कि सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी जारी व सारी है। ये चर्च जो कि मुल्तान में वाक़ है, इसकी आलीशान दीदाज़ेब सुर्ख रंग की इमारत आज भी अपने शानदार माजी का अहवाल सुना रही है। गो के ये कोई बड़ा चर्च तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े रकबे पर कायम है, जहां चर्च और मिशन से मुतालिक लोगों की न सिर्फ रहाइश है, बल्कि बशीर अहमद मलिक जिनका इंतकाल 1948 में हुआ और आयशा लीजा जिनका इंतकाल 1857 में हुआ मौजूद है। जबकि तारीख के कदीम हवालों से पता चलता है कि मुल्तान का कदीम गोरा कब्रस्तान जहाँ 1853 और उससे पहले की कब्रें मौजूद हैं, इस चर्च के साथ वजूद में आई और आज भी मसीह बिरादरी इससे तदफीन के लिए इस्तेमाल कर रही है।